मोहब्बत, जंग, भारतीय ड्रामे और पाकिस्तानी सियासत, यहाँ सब जायज़ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में ये ऑर्डर जारी तो कर दिया है कि 90 दिन के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात किए जाएं, मगर कहानी अभी बाकी है। वो इसलिए कि कुछ इकाइयों के हाँ ये फैसला बहुत नफरत की निगाह से देखा गया है। इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बेहतरीन फैसला दिया है, मगर ये पाकिस्तान है और यहाँ ये जान लेना चाहिए कि कुछ लोग कानून के होते हुए कानून से ऊपर हैं, और यही लोग वो लोग हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला खटक रहा है। लिहाजा कहानी अभी बाकी है। इस फैसले के आने के बाद आज इस्लामाबाद की फिज़ा बहुत गर्म रही है। कुछ ताकतवर शख्सियात खासी नाराज़ रही हैं और इस नाराज़गी का इजहार उन्होंने अपनी ज़ाती महाफिल में किया है, मगर इस नाराज़गी का नज़ला अब चंद शख्सियात पे गिरेगा, जिनमें से पहले हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। ये तो हम जानते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा किस से लाइन लेते हैं, किसकी बात सुनते हैं, किसके ऑर्डर्स मानते हैं, तो अब मुमकिन है कि इनसे कहा जाए कि वो इसमें कोई बीच की राह निकालें और इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करने का कोई जुज़वी तरीका फराहम करें। ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस बात से इनकारी है कि फिल फौर मुल्क में इंतखाबात कराए जाएँ। ज़ाहिर है जो सियासी सूरत हाल है इस पूरे इत्तेहाद की, वो इंतहाई नाजुक है और मरियम नवाज़ साहिबा बिलखसूस नहीं चाहतीं कि मुल्क में इलेक्शन हों, मगर ये वो अनासर हैं जिन्हें यूज़ किया जाना है, जिन्हें इस फैसले को रिवर्ट करने के लिए आने वाले दिनों में यूज़ किया जाना है, और यूज़ उन्हीं ताकतवर अनासर ने करना है जो हमेशा से पाकिस्तान में देव बीन कॉलिंग द शॉट्स, जो हमेशा से पाकिस्तान में बंद कमरों के फैसले इम्पोज करते रहे हैं। एक और चीज़ भी कहीं ज़ेर बहस है और वो है मार्शल लॉ का इम्कान। नाज़रीन, ये बात हमारे अदारों की अहम तरीन मीटिंग्स में डिस्कस हुई है कि मुल्क में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। ये भी एक फार्मूला है कि अगर दाल नहीं गलती, अगर इंतखाबात करवाने पड़ते हैं, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेशराइज़ करने के बावजूद दाल नहीं गलती, अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लोग भी इंतखाबात की राह में रुकावट बनने से इनकार कर देते हैं, तो मुल्क में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है, मगर देयर विल बी अ कॉस्ट दैट वी एज अ नेशन विल हैव टू पे। वापस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे। बहुत बेहतरीन फैसला है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग से आज आया है, मगर इस फैसले ने लोगों को परेशान ज़रूर किया है, और अब इस परेशानी के बाद इस फैसले को रिवर्ट करने के लिए कोशिश तेज़ की जानी है। देखना यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसमें किस हद तक कंज्यूम होते हैं, गवर्नर्स इस ज़िमन में किस हद तक कंज्यूम होते हैं, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की आला शख्सियात वो इस सब में किस हद तक कंज्यूम होते हैं। तो वो तमाम शख्सियात जो समझ रही हैं कि कहानी ख़त्म हो गई है, कहानी ख़त्म नहीं हुई, कहानी दर हकीकत अभी बाकी है।